वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग जो आप लोगों के चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, जो आप लोगों को यूनिट दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं, आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के साथ। हम लोग ने यूनिट टू जो है पैट्रियटिज़म, उसकी रिवीजन शुरू की थी और उसका एक लेक्चर ऑलरेडी आई हैव सेंड टू यू। और अब लोग हम लोग जो है इसके जो नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन पीपल लेड देयर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। हिब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। फॉरेन इन्वेजन में हम लोग जो है ये पैट्रियटिज्म ही होती है जो हमें इस हद तक चौकन्ना रखती है। इट मेक अस स्टे अलर्ट कि हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी भी जंगों में दे देते हैं। इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार मेनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965, 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि दिस इज़ जस्ट द पैट्रियटिज्म, दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ द पैट्रियटिज्म विच मेक अस स्टे अलर्ट इन ऑल ऑफ द फॉरन इन्वेजन्स। वी डू नॉट इवन थिंक दैट वट वी आर डूइंग, वी आर लेइंग अवर लाइफ फॉर दैट। हम वी जस्ट ट्राई टू मेक अवर कंट्री सेफ। तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारी हिब्बुल वतनी का ही जज्बा होता है जो हमें इस सूरत में हाल में हमें चौकन्ना रखता है। पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कॉन्टीन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियाटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु ब्रेथ्स देयर, द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड। इसलिए हिब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं बल्कि ये एक जीता जागता जज्बा है जो किसी कौम में मुसलसल तहरीक पैदा करता है और इसकी रहनुमाई करता है। एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में हिब्बुल वतनी के जज्बे से आरी इंसान एक ऐसे शख्स की मानिंद है जो सांस तो लेता है मगर इसकी रूह मुर्दा है, जिसने कभी खुद से ये नहीं कहा कि ये मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट अ पर्सन हु इवन डज नॉट लाइक लव हिज कंट्री, लाइक हिज कंट्री, सो हाउ ही कैन से दैट ही इज़ अ लिविंग ह्यूमन बींग, ही इज़ अ लाइव, ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ ब्रेथ, who has a body but he doesn't has any kind of soul। जब हम अपनी जो हमारी roots के साथ हम associated नहीं हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम एक living human being के तौर पर दुनिया में मौजूद हैं। Patriotism, what he is saying that patriotism is not just a feeling, it is a life spirit, it is in our body, it is in our soul that we continuously inspires ourselves। सो ये जो हमारे टू पैराग्राफ थे इनको हमने दोबारा से रिवाइज़ किया, आपने भी इनको वर्ड टू वर्ड रिवाइज़ करना है, इनको रीड करना है दोबारा से दोबारा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप अपनी वोकेबलरी को इस हद तक अपने माइंड में प्रिजर्व कर लेते हैं कि जब आपके सामने पेपर अटेम्प्टेशन के लिए आता है तो आपको उसमें कोई भी, यू वॉन्ट फील एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।